के राह पर पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुँचाना है जो भी मिले राह में उस मन पर पहुंचाना है कवित्वता की राह पर हम और चलके मन में हो शुद्धता दृष्टि निर्विकारी हो मन में हो शुद्धता दृष्टि निर्विकारी हो सबको पावन करना यही भावना हो सबको पावन करना यही भावना हो परमपिता का ये संदेश परमपिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है विपरीतता के राह पर हमको चलते जाना है पालिष्टता के राह पर हमको चलते जाना है जो भी मिलेरा हमें उस मंजिल पर पहुँचाना है जो भी राह में उस मंजिल पर पहुँचाना है पवित्रता की जीव हम हमको चलते जाना है पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है पवित्रता का झंडा पवित्रता का झंडा हर दिल पे लहराना है पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है जो भी मिलेरा हमें उस मंजिल पर पहुंचाना है जो भी मिलेरा हमें उस मंजिल पर पहुंचाना है की राह पर तेरा चलते जाना है। जाना है। पर हम जाना है। ओम शांति पवित्रता के पथ पर चलने वाले आप सभी पवित्र आत्माओं को जिन्होंने पवित्रता की दृढ़ प्रतिज्ञा की है जो पवित्र इष्ट देव देवियां हैं जो पवित्रता के सागर की श्रेष्ठ पवित्र संताने जिन्होंने पवित्रता को इस कली काल में भी एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया है जहां सारा संसार अपवित्रता के गहरे दलदल में समाया हुआ है समाता जा रहा है और उसे ही जीवन मानता है वहां से अपने आप को कमल पुष्प के समान उठाकर एक आदर्श प्रस्तुत करने वाले सभी महान श्रेष्ठ पवित्र आत्माओं का आज के सुंदर तृतीय सत्र में हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है देश विदेश से आप सभी जुड़े हुए हैं हमारा परिवार जो पवित्रता की खुशबू है उसे सारे संसार में फैला रहा है आप सबके माध्यम से और बाबा हम सब पवित्र आत्माओं को देख करके इसीलिए लिए -बार प्रसन्न होते होंगे और अपने आशीष की बरसात हम सब पर करते होंगे जिसे हम सब अनुभव करते हैं महसूस करते हैं जैसा मैंने कहा कि हम सबको ज्ञान है कि द्वापर और कलयुग से ज्यादातर हमारी अपनी देहभान जिसने इस को जन्म दिया तो संस्कार तो कहीं ना कहीं बहुत गहराई तक आत्मा के अंदर समाई हुई है हमने नूतन पथ ज्ञान के आधार पर अपनाया प्रतिज्ञा करके आगे बढ़ रहे हैं फिर भी इस धारणा में कहीं ना कहीं जो जो तकलीफें समस्याएं बाधाएं आती हैं उन पर आज सुंदर प्रकाश आदरणीय भ्राता जी से लेंगे शास्त्रों में बहुत ही प्रसिद्ध सी कथा है विश्वामित्र गहन साधना में इतनी गहन साधना में कि तीनों लोक हिलने लगे कहते इंद्र जी को भी अपने सिंहासन का खतरा पैदा हो गया ऐसी साधना तो हम सब ब्राह्मण करते हैं मेनका को भेजा गया और मेनका ने धीरे 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 उनकी साधना में खलल डाला साधना भंग हुई ये एक कथा आती है तो ऐसा एक साधक ऐसा एक संत जिसने सारे संसार को छोड़ दिया गहरी साधना की गहरी अनुभूतियों में रहा फिर भी एक घटना जिसने जीवन को परिवर्तित कर दिया ये चीज ये धारणा हमारी ना टूटे और हम सतत आगे से आगे बढ़ते रहे अपने साधना को संपूर्ण करें और इसका प्रकाश सारे संसार में फैलाएं यही हम सबका ध्येय है तो इस पर ही आज सुंदर गहन प्रकाश हमेशा की तरह आदरणीय सूर्य भाई से हम सब प्राप्त करेंगे जिन्होंने पवित्रता पर बहुत ही गहराई से अपने जीवन में प्रयोग किए हैं आत्माओं को इस मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते हुए हुए ठहरते और पीछे हटते हुए भी देखा है उनके अनुभवों का लाभ लेंगे लेकिन प्रथम तो मैं चाहूंगा कि भ्राता जी आज के इस विषय पर प्रकाश डालें फिर आपके प्रश्नों को लेकर उनकी ओर चलेंगे भ्राता जी ओम शांति आप सभी को वेलकम है पवित्र आत्माएं संसार की ब्यूटी है जिसको बाबा कहते तुम जहान के नूर हो हम जानते हैं प्योरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी रॉयल्टी हमारी प्रोस्पेरिटी है बहुत बड़ा सुख है इसमें परम आनंद है इसमें लेकिन तब जब हम इसको बहुत नेचुरल बना पाए इसके लिए योग के सब्जेक्ट में हमने अवश्य चर्चा की होगी आत्मिक स्वरूप में स्थित होना आत्मिक दृष्टि को बढ़ाना अपने श्रेष्ठ स्वामान को बढ़ाना पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना और शिव बाबा से पवित्र वाइब्रेशंस लेना शक्तियों के वाइब्रेशंस लेना ये सब चीजें प्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है अगर ये नहीं है तो हमारी प्योरिटी हमारे लिए एक पावर नहीं बनती एक छोटा सा बल्ब है जिसकी लाइट यहाँ तक फैलेगी हमें अपनी लाइट संसार तक फैलानी है तो प्योरिटी को लाइट हाउस जैसा पवित्रता के सूर्य जैसे हम बन जाएं। ताकि प्रकाश संसार की अनेक आत्माओं का कल्याण करे बाबा के महावाक सब ने सुने रिपीट कर देता हूं पवित्रता सुख शांति की जननी है बाबा ने बहुत अच्छी बात कही अगर तुम्हें दुखों की फीलिंग होती है तो यह पवित्रता कहीं ना कहीं छुपी हुई है सुख शांति पवित्रता आनंद आत्मिक प्रेम ये सब पवित्रता से पैदा होते हैं पवित्रता की गहरी परिभाषाएं जो बाबा ने दी हैं उस पे जरा ध्यान दें जब से मैंने सुनी और एक ही बार सुनाई है व्यक्त बाबा ने मुझे याद है तब से पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य तक नहीं पवित्रता का अर्थ केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाना ही नहीं देखिए व्यर्थ से मुक्त होना बहुत बड़ी चीज है लेकिन इसको भी बाबा संपूर्ण पवित्रता नहीं कह रहे जब तुम आत्माएं साधारण संकल्पों से भी ऊपर हो जाते हो साधारण संकल्प माना रोज छोटे मोटे संकल्प तेरे मेरे के संकल्प व्यर्थ तिर द्वेष के संकल्प और श्रेय स्वमान में स्थित हो जाते हो तब तुम्हारे अंदर आती है संपूर्ण प्योरिटी तो काम के साथ क्रोध लोभ मोहंकार, इन चारों पर भी पूरा ध्यान देना है साथ में ईर्षा द्वेष, अलवेलापन सुस्ती सुस्ती भी प्योरिटी है क्योंकि शरीर में जब एनर्जी बढ़ती है और हम उसे यूज नहीं करते तो वो हमें डल करती है सुस्त करती है केयरलेसनेस भी इंप्योरिटी है तो हम अपने जीवन का एक महान लक्ष्य बनाएंगे हमें संपूर्ण प्योरिटी पर पहुंचना अवश्य है और संपूर्ण पवित्रात्माएं संसार में पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकेंगी वे देव बन जाएंगे जिनके आगे संसार नमन करेगा तो बहुत बड़ी स्थिति है बहुत बड़ी प्राप्ति है प्योरिटी के बल से हम सत्य धर्म की स्थापना करते हैं हमारी प्योरिटी का बल इस संसार के लिए फाउंडेशन है जैसे मकान का फाउंडेशन डाला जाता है हमारी प्योरिटी जब शुभ भावनाओं का रूप लेती है तो इससे संसार को सहारा मिलता है तो हम अपने को चेक करेंगे कहीं क्रोध की अग्नि इरिटेशन हमारी प्योरिटी की शक्ति को नष्ट तो नहीं कर रहा है कहीं लोभ बहुत इच्छाएं, बहुत धनवान बनने की इच्छा हालांकि दुनिया में तो ये इच्छा ये कंपटीशन बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे पास कंपटीशन होना चाहिए ईश्वरीय खजानों में रिचेस्ट बनने का ये धन तो विनाशी है एक दिन सब का साथ छोड़ जाएगा जिस दिन भी कुछ हो गया हम भी चले गए तो सब गया तो सभी लोग पर भी ध्यान दें खाने पीने का लोग बहुत सारी चीजें इकट्ठी करने का लोग बहुत ज्यादा मानस्यान प्राप्त करने का लोग इनसे भी बचेंगे क्योंकि जब हम पवित्र बन जाते हैं तो हमें स्वयं का स्वमान इतना सुंदर अनुभव कराता है कि मान उसकी भेंट में छोटी चीज लगती है लोग मान देते हैं कोई स्वार्थवश देता है किसी का मान थोड़े समय के लिए होता है कल बदल जाता है और मान को पाना ये हमारा लक्ष्य भी नहीं है मान के पीछे भागने वाले पवित्र आत्माएं नहीं होते पवित्र आत्माओं के पीछे मान भागता है संसार पवित्र आत्माओं को सम्मान देने के लिए इंतजार करेगा बाबा ने कहा जैसे देवियों के मंदिर आपके देशों में तो कहीं कहीं होंगे हमारे देश में जहां तहा देवियों के मंदिरों का दरवाजा खुलने की भक्त इंतजार करते हैं और खुलते जय जयकार होती है पवित्र आत्माओं को सम्मान देने के लिए लोग इंतजार करेंगे महो जब हम बहुत पवित्र बन जाते हैं तो आत्मिक दृष्टि हो जाती है महो ममत तो आसक्तियां सब धीरे धीरे पीछे छूटती हैं कर्मेंद्रियों के रसों से हम ऊपर उठने लगते हैं बहुत बड़ी चीज है कई धर्मों में तो केवल इंद्रिय जीत बनना ही सबसे बड़ी प्राप्ति है लेकिन हम तो उससे भी आगे पुरुषार्थ करते हैं कर्मेंद्रिया जीत बनना कर्मेंद्रियों की चंचलता कर्मेंद्रियों में उत्तेजना कर्मेंद्रियों का बाहर के रसों की ओर आकर्षण इन सबसे मुक्त संपूर्ण प्योरिटी है। बाबा ने तो अपने महावाक्यों में कह दिया आपने सुना है जब तुम्हारी शीतल हो जाए तो समझो तुम सतो स्थिति पहुंच गए अभी सतो प्रदान बाकी है तो कुछ आत्माओं की यह स्थिति आ चुकी है अहंकार पवित्र आत्माएं अभिमानी नहीं होती घमंड उन्हें नहीं होता वो तो नवरचित शीतल हो जाती है तो हमें इस पर ध्यान देना है अभिमान तो नहीं बढ़ रहा है किसी भी तरह का इनकार घमंड एक बड़ा शब्द है यह व्यक्ति बड़ा घमंडी है टेढ़े मुंह बात करता है सदा सीधे मुंह बात ही नहीं करता कैसे चलता है अहंकार झलकता है इससे भी हमें दूर होना है मुक्त होना है प्योरिटी जहां बहुत आगे बढ़ती है आत्मा में संतुष्टता आने लगती है, आत्मा 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 हम बन जाते हैं, जो आत्मा के तो गुण हैं, उनमें से कई चीजें प्योरिटी से ही रिलेटेड हैं, वो सब बढ़ने लगती हैं आत्मा की सातों एनर्जी सातो सुंदर संस्कार विकसित होते हैं डेवलप होते हैं तो आत्मा का तेज बढ़ता है हमारे ओर और बढ़ता है आभा मंडल बढ़ता है ये दूर दूर तक फैलता है और हम में से कुछ आत्माओं का ये और सारे संसार तक भी जाता है प्रकृति से ही पावन बनती है देखिए प्रकृति में जो विस्फोट होंगे अब प्रकृति को पावन तो बनना है मनुष्य ने उसको बहुत पोल्यूट कर दिया है स्पिरिचुअल लैंग्वेज में प्रकृति हो गई है कष्टदाई सब्जियों में फलों में रस नहीं जबरदस्ती हम उससे यह सब ले रहे हैं उसमें ताकत नहीं रही ताकत गई मनुष्य ने उसकी ताकत ले ली तो हमारे प्योर वाइब्रेशंस इस प्रकृति में समाने लगते हैं तो प्रकृति की इंप्योरिटी बाहर जाती है इंप्योरिटी का बाहर जाना यही अर्थक्वेक्स का रूप तूफानों का रूप बिजली गिरने का रूप और बहुत सारे रूप जो हम तेज बरसात का रूप बहुत ज्यादा अग्नि का रूप अकाल पड़ जाए सूरज तपने लगे ये सब इम बाहर निकलने का स्वरूप है तो हमारी प्योरिटी प्रकृति को पावन करती है प्रधान बनाती है तो पवित्र आत्माओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम भूलेंगे नहीं हमारी प्योरिटी केवल हमारे लिए ना रह जाए ये संसार के लिए सहारा बन जाए याद रखेंगे जितने जितने हम प्योर होते जाएंगे देव कुल की जो आत्माएं हैं करोड़ों संसार में फैली हुई हैं, क्योंकि उनमें पवित्रता के संस्कार हैं दो युग के तो हमारी प्योरिटी उनके प्योर संस्कार को जागृत करेगी एक्टिव करेगी और वो आत्माएं बाबा की ओर अट्रैक्ट होकर आएंगी ये बहुत बड़ी सेवा ऑटोमेटिक सेवा महान पवित्र आत्माओं के द्वारा होती है इसलिए बाबा ने कहा कोई भी बुरा ना माने मेरी बात बाबा की बात क्लियर कर रहा हूँ उनके शिष्य भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं हमारी निमित्त आत्माएं भी चाहे भाई हों या बहने जितनी उनके अंदर प्योरिटी होगी देवकुल की उतनी ज्यादा आत्माएं आकर्षित होकर बाबा के पास आएंगी सेवा उतनी ही ज्यादा वृद्धि को प्राप्त होगी क्योंकि पवित्र आत्मा के बोल बहुत आकर्षक होते हैं वे किसी को डांटते डपटते नहीं वे किसी का अपमान नहीं करते वे तो सबको सहारा देते हैं उनके पास दुखी आएंगे अशांत आएंगे सुसाइडल टेंडेंसी वाले आएंगे बहुत दुखी चिंता परेशान में जलती हुई आत्माएं उनके पास आएंगी और वो उन्हें शीतल करेंगे वो डांटेंगे नहीं तुम क्यों आए हो हमारे पास ये नहीं पवित्र आत्माएं बन जाती हैं, तो हमें बाप समान, देवताओं समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो हमारी धारणाएं भी इससे श्रेष्ठ हो जाएंगी और हमारे चेहरों पर भी प्योरिटी की झलक आएगी और ये खेल संपूर्ण रूप से पूर्ण होगा और हम देव युग में प्रवेश करेंगे केवल प्योरिटी ही प्योरिटी है हमारी प्योरिटी युग का आह्वान भी करेगी चले अब आपके क्वेश्चंस की ओर भाई और जी आपने पवित्रता का जो सुंदर खाका खींचा है वो हम सबको भी प्रेरित करता है बाबा के महावाक्य सुनते हैं तब भी हम बहुत उत्साहित होते हैं प्रेरित होते हैं और इसीलिए हमने ये पथ चुना है दृढ़ता पूर्वक चल रहे हैं लेकिन जैसे मैंने शुरुआत की थी इस पथ पर चलते चलते जो विघ्न बाधाएं आती हैं उन आ, कंटकों को हटाना वो बहुत बहुत जरूरी है तो मैंने विश्वामित्र की बात कही थी बेटे इतने वर्षों की कठिन तपस्या और एक पल में भंग हो जाना तो कहा कमी रह गई देखिए आदि की जो बात है तो ये कहानियां जो हमारे ऋषि मुनियों और तपस्वियों की साधना थी उसमें उनका नाता सर्वशक्तिवान से नहीं था मन को शांत करने की साधनाएं थी और जब तक एक योगी परमात्मा से न जुड़े उसके स्वरूप पर स्थिर ना हो परमात्मा निराकार जो सर्वशक्तिवान है उसका ज्ञान ही नहीं है भक्ति में शास्त्रों में पूरा क्लियर ज्ञान नहीं है तो जब उससे हम नहीं जुड़ते तो ये स्थिति बनती है क्योंकि हर एक के अंदर दो युग के इम्प्योर संस्कार हैं दबे जा दब जाते हैं जब हम प्योरिटी की प्रतिज्ञा करते हैं जब हम इस श्रेष्ठ पथ पर चलते हैं तो बहुत सारे हमारे विकार दब जाते हैं लेकिन दबी हुई चीज कभी ना कभी फिर इमर्ज हो जाती है अब कलयुग की हवा तेज चल रही है विकारों की हवा काम की अग्नि में तो संसार जलता जा रहा है मैं सोचा करता था पच्चीस तीस साल पहले कि अगर इस सृष्टि का विनाश एटम बम्ब्स के द्वारा नवी हो तो काम अग्नि में जल कर ये संसार स्वत भस्म हो जाएगा अब तो बहुत बढ़ गया है काम ही जीवन है लोगों ने ये मान लिया है दो ही चीजें बढ़ गई मनी इज एवरी और काम वासना ही जीवन है इसके पीछे लोग पागल हुए जा रहे हैं छोटे ही नहीं बड़े भी तो हम सभी ध्यान दें अपने योग अभ्यास को बढ़ाएं अपने पांच स्वरूपों के अभ्यास को बढ़ाएं जो पांच अभ्यास मैंने शुरू में बताए आत्मिक स्थिति आत्मिक दृष्टि स्वमान पांच स्वरूप और योग तब हम इन विषय विकारों को जीतेंगे क्योंकि हम देखते आए जैसे रुपेश भाई ने कहा मैंने सब खेल देखा अच्छे अच्छे महारथी बड़ी बड़ी सेवा करने वाले दुनिया को चैलेंज करने वाले छोड़ गए छोड़ने का कारण तो वो कुछ भी बताते हैं संशय आ गया सन से कुछ नहीं होता इम्प्योरिटी आ गई एक्चुअली कहीं आता ही नहीं जिसने भगवान को देखा हो दस बार उसको आते हुए देखा उनको संशय नहीं आता आती है इम्प्योरिटी कितने कुमार लाखों लाखों बाबा को छोड़ के चले गए दस साल सेवा की प्रतिज्ञाएं की खून से लिख के दिया इस पद से हटेंगे नहीं हट गए क्यों काम विकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान और योग नहीं किया ज्ञान का भी बल चाहिए देखो सवेर सवेरे इस टाइम हमें मुरली का सुख मिलता है ये सुख भी प्योर बनाता है सुंदर बातें मिलती हैं बाबा की उसकी दृष्टि मिलती है विचार महान बनते हैं प्योरिटी जागृत होती है अमृत वेला तो अगर हम योग अभ्यास अच्छा करेंगे तो ये परिस्थिति हमारे पास नहीं आएगी नहीं तो मैं तो कह सकता हूँ बारह लाख ब्राह्मण है तो 12 लाख ही चले गए हैं और वो फिर से आएंगे लेकिन सब कुछ गवा के आएंगे इसलिए प्रतिज्ञा के साथ योग तपस्या परम आवश्यक है तो कहीं भी इम्प्योरिटी हमें टच नहीं करेगी जी जी मतलब ज्ञान और योग दोनों तो बहुत बहुत जरूरी है और जैसे आपने एक कथा ही है लेकिन ठीक है परमात्मा का वो सत्य परिचय नहीं था अब हमारे पास है आ, हम ज्ञान योग दोनों में चल रहे हैं कई बार जैसे पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि योग की उतनी वैसी गहराई नहीं आती है अब जब चारों तरफ जब हम फील्ड में हैं मेनकाएं घूम रही हैं चारों ओर कभी बहनों के लिए भाई उस रूप में हैं तो भाइयों के लिए बहनें उस रूप में हैं और ये भी कथा के अनुरूप जी उन्होंने बहुत ही करीब आने का सेवा भाव का अनेक अनेक रूप थे लक्ष्य तो यही था कि इनकी साधना भंग की जाए तो ये रूप कहीं ना कहीं जीवन में ब्राह्मण जीवन में भी दिखाई देता है और हम थोड़े से उसमें उलझ जाते इसमें यही होता है भाई या बहन बहन या भाई सब एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं कभी कभी कल्याण की भावना से समीप आ जाते हैं कभी कभी एक दूसरे की समस्याओं में मदद करते हैं ये बहुत अच्छी बात है लेकिन फिर अटैच हो जाते हैं जिसको बाबा नाम रोग की बीमारी कहते हैं तो ये किसी को बहुत जल्दी होता है किसी को धीरे धीरे होता है क्योंकि देवान बढ़ा रहता है नर को नारी के लिए नारी को नर के लिए एक अट्रैक्शन दो युग से बना हुआ है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं लेकिन हमें ये चिंतन रखना चाहिए कि ठीक है दो युग तक हम ऐसे ही रहे हमें दूसरों का कल्याण भी करना है उन्हें मार्ग भी दिखाना है उन्हें प्यार भी देना है छोटी कन्याएं आ गई हमें उन्हें प्यार भी देना है अपनापन भी देना है लेकिन रहना है डिटैच क्योंकि हमारा मार्ग पवित्रता का मार्ग है बहुत अच्छी बात बाबा ने कही वह आत्माएं हमारे पास आती हैं पावन बनने और हम उनको अपवित्रता के मार्ग पे ले जाएं तो ये मान पाप हो जाता है बाबा की मुरली कभी चली थी बहुत कड़क आप लोगों ने शायद न सुनी हो कोई देवियों के मंदिर में जाए और देवियों का सुंदर स्वरूप देखकर उसमें इम्प्योरिटी आ जाए देवियों का रूप तो पत्थर की मूर्ति होती है लेकिन कई महापापी ऐसे होते हैं इम्प्योर संकल्प आते हैं तो ये कितना बड़ा पाप होगा ऐसे ही इस देव देवियां आ रही हैं पुणे बाबा के पास अपना जन्म से अधिकार लेने के लिए उनके लिए बुरी दृष्टि रखना या उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाना ये बड़ा घातक है और जिन्होंने ऐसा किया है वो चले गए हैं और मैं जाने वालों की कहानी भी सुना दूं बहुत दुखी है आज वो शादी तो कर ली लव मैरिज कर ली लेकिन बनी नहीं आपस में संस्कार टकराने लगे मन भी खाने लगा हमने भगवान को छोड़ दिया इम्प्योर बन गए अवज्ञा कर दिया अब हमारा क्या होगा बिल्कुल सही बात है साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पर रियल इफेक्ट है तो ऐसी आत्माएं जीवन भर दुखों में रहती हैं और आजकल जो हो रहा है जो मैं देख रहा हूं मेरे पास जो लोग कांटेक्ट करते हैं एक चीज दिखाई देती है जिन्होंने ये पाप किए हैं अब वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं मानसिक रोग उन्हें त्रस्त कर रहे हैं इसलिए हमें अपना मार्ग क्लियर समय लेना चाहिए हम सेवा के फील्ड में हैं बहुत सारे लोग कन्याएं कुमार बड़ी माताएं पुरुष ऐसे हमारे पास आएंगे जो महान पतित हैं मैं स्पष्ट बोल रहा हूं आएंगे क्यों पावन बनने बाबा तो कहते की भी सेवा करो जो महान पतित हैं वो भी हमारे पास आएंगे लेकिन हमें अपनी दृष्टि से स्नेह भी देकर उन्हें बाबा से जोड़ के पावन करना है अपने से नहीं जोड़ना है हमें उनसे नहीं जुड़ जाना है हम अपने से ही नहीं जोड़ते हम भी उनसे जुड़ जाते हैं कभी कभी इसलिए गड़बड़ होती है इसलिए हम दाता है हम हम हमने अवतार लिया है सबको पावन बनाने के लिए और बाबा ने बहुत सुंदर चीज सिखाई है जैसे मैं अवतार लेता हूं तो कलयुग का कोई भी फैक्ट मुझ पे नहीं होता क्योंकि मुझे स्मृति है कि मैं सबका कल्याण करने सबको पावन करने सभी को शांति देने आया हूं हम भी ये संकल्प करें मैंने अवतार लिया है संसार को पावन बनाने के लिए इसलिए संसार की इम्प्योरिटी किसी मनुष्य की इंप्योरिटी मुझ पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकते मुझे तो सबको पावन करके वापस अपने धाम चले जाना है जी जी आपकी ये सुंदर जो बाबा के कहे हुए महावाक्य है सुनकर बड़ी प्रेरणा आती है और बल हमेशा भरता है प्रत्येक जी और अच्छा लगा आपने जो पतित हैं उनके लिए भी महान शब्द यूज किया महान पतित मतलब वो भी उनके अंदर भी महानता के बीज हैं आ, एक बात रहता जी बहुत प्रैक्टिकल सी लगती है आपने कहा वो आएंगे छोटे भी आएंगे सब आएंगे हमें उनकी पालना करना है उनके साथ रहना है तो उनके साथ रहते रहते आ, उनका प्रभाव वो तो आ ही जाता है कई बार एक कैसी रेखा खींची जाए वो कैसे समझ में आए यहाँ तक इससे आगे नहीं क्योंकि इससे आगे तो वो शायद गलत हो सकता है तो ये जो एक बहुत बारीक सी रेखा है मुझे लगता है उसका स्पष्ट होना बहुत जरूरी है लव और का बहुत सुंदर बैलेंस पहली चीज क्या हम लविंग तो बहुत बन जाते हैं नया कोई व्यक्ति आया उसे बहुत प्यार देंगे और देना ही चाहिए अपना देना चाहिए वो अपने बिछड़े हुए परिवार में आ गया लेकिन तुरंत नारे भी हम अपनी मानताओं को छोड़े नहीं इंपॉर्टेंट बात समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम अपनी मानताओं को छोड़े नहीं हमारी दृष्टि दूसरों का कल्याण करेगी इसलिए ना तो उनके व्यक्तिगत जीवन में जाएं कई लोग उनकी व्यक्तिगत कहानी सुनने लगते हैं उसमें जाने की जरूरत नहीं फिर दया आती है कोई बहुत दुखी आते हैं मैं अभी इम्प्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं एक बहुत दुखी व्यक्ति आपके पास आता है अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है और आपके अंदर रहम भाव पैदा होता है होगा ही आप उसके दुखों को दूर करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं यहां गलती होती है हम टू मच इन्वॉल्व ना हो न्यारे और प्यारे उसके दुख दर्द समाप्त करना हमारा परम कर्तव्य है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा लेकिन उसके दुखों में खुद शामिल हो जाना उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाना आओ हम दोनों मिलकर इन दुखों से निपटेंगे ये गलत हो गया हमें अपने महान लक्ष्य को नहीं भूलना है किसके साथ है हम संपूर्ण प्यार हमारा उससे ही हो बाकी सबसे प्यार हो केवल कल्याणकारी तो लव एंड अटैचमेंट इन दोनों का बैलेंस रखेंगे टू मच किसी में इन्वॉल्व नहीं होंगे बहुत सारी बातें किसी की शेयर नहीं करेंगे क्योंकि संसार में पाप ही पाप है दुख ही दुख है चिंताएं चिंताएं हैं सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है हमें उन्हें मार्ग दिखाना है केवल जी जी मतलब उसकी ज्यादा विस्तार में ना जाएं कई बार हम काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग का एक फंडा ही है यही है कि आप पूरी तरह से उसे खोलें पूरी तरह से उसे समझें पूरी तरह से उसे हल्का कर दें लेकिन हाँ उस बात को वही खत्म कर दें उसे आगे लेकर के ना जाए मैं जी एक बात आपने इससे पहले कि आगे बढ़ू आपने कहा कि कई जो इस ईश्वरीय मार्ग में थे अब वो चले गए हैं तो अब बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं तो संभव है कि बहुत सारे हमारे भाई बहने जो सुन रहे हैं उनके भी जानकारी में वो हों कई ऐसे आज सुन भी रहे हों, अब वो हो गया जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, लेकिन अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक बोझ या एक दुख या एक डिप्रेशन वो स्थिति ना हो हम हल्के रहें, इस ब्राह्मण जीवन का फिर से आनंद लें, कोई तो सूत्र होगा है ये भी सूत्र है और कुछ लोगों ने अपने को चेंज कर लिया है उस गिरावट को उस ड्रामा के सीन को स्वीकार कर लिया है पहले तो मैं एक बात कहूं कि जब हम दूसरों के दुख सुनते हैं उनकी चिंताएं सुनते हैं काउंसलिंग करते हैं आपने देखा होगा संसार में बहुत सारे साइकेट्रिक डॉक्टर अंत तक साइकेट्रिक पेशेंट बन जाते हैं मैंने बहुत देखे लोगों ने हिंदी में कह लगे पागलों का डॉक्टर पागल हो गया है उनके चेहरे पर भी वो पागलपन आ जाता है मैंने कुछ लोगों से पूछा ये क्यों है भाई तो मुझे एक डॉक्टर ने बताया क्या हम लोगों की ट्रेनिंग में यह सिखाया गया है कि दूसरा व्यक्ति जो तुम्हें दुख सुना रहा है उस दुख को अपने अंदर फील करके अनुभव करो कि उसकी मनोस्थिति क्या होगी तो ट्रीटमेंट आप कर सकेंगे मैंने कहा दिस इज वेरी रोंग कंप्लीटली रोंग है क्योंकि जिस चीज को आप अपने अंदर लाएंगे उसका कुछ अंश आप में रह जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट डालता है इसलिए काउंसलिंग करते हुए हमें पूरी तरह डिटेच रहना सुन लो सब कुछ लेकिन वापस भेज दो संसार में फेंक दो इसे सागर में अपने अंदर कुछ भी नहीं रखना है ये इसकी कहानी है वो जानेगा रही बात ये जो चले गए थे और पश्चाताप करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चले गए लेकिन फिर से आ गए और फिर आगे बढ़ने लगे सेवाओं में लगने लगे हमारी दादी जानकी कहती थी जितने पाप किए अब उससे ज्यादा पुण्य कर लो इस शरीर से जितने पाप कर लिए अब इस शरीर को सेवाओं में लगाओ तो अगर हम बहुत पुण्यों के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो इफेक्ट भी बहुत खत्म हो जाएगा बाबा तो कड़े शब्द बोलता है जो पिछली बार भी आप सबने पूछे थे वो बाबा हमें छुड़ाने के लिए बोलता है कि इन विषय विकारों से हम छूट जाएं पर अगर कोई दोबारा इस पद पर वापिस आ गया है तो बाबा क्षमा भी कर देता है हमें बात भूलनी नहीं चाहिए अगर हम फिर से बाबा से बहुत प्यार करें उससे क्षमा याचना कर लें अपनी गलतियों को रियलाइज करके सदा के लिए उनसे मुक्त हो जाए तो हम पुनः श्रेष्ठ पद पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ऊंची स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे मेरे पास कई उदाहरण है, हैं जिन्होंने फिर से जंप दिए हैं और जैसे लोग भी भूल गए कि इन्होंने कुछ गलती की थी और वो भी उससे बहुत आगे निकल गए इसलिए अपने योग के चार को चार घंटे से आगे बढ़ाएं फिर से जो मैंने कहा सेवाओं में लगे तन मन धन लगाएं अच्छी तरह ताकि आपका पुण्यों का खाता उस पाप के खाते को नष्ट कर डालें जी जी मतलब हम पूरी शक्ति झोंक दें पूरे बीसों नाखूनों का जोर लगा दें फिर से शिखर पर पहुंचने के लिए रेस से हम बाहर नहीं हुए हैं एक दो मुक्का खा लिया कोई बात नहीं अब हम फिर से उठ के लड़ना शुरू कर दें और अपोनेंट को हरा दें तो बड़ी अच्छी <laughs> बात होगी जी आपने कहा बाबा हम हमें सिखाने के लिए बात कहते हैं कड़े शब्द कहते हैं बाबा तो बाबा है वो कुछ भी कहें हमें वो बात कभी लगती है कभी लगता है नहीं हमारे पिता हैं कोई बात नहीं लेकिन जो ब्राह्मण परिवार है एक बार हम गिरे एक बार हमसे कोई गलती हुई तो उनकी नजर हमेशा के लिए वैसी हो जाती है हमारे लिए उनका व्यवहार बदल जाता है उनकी भावनाएं बदल जाती हैं हमें सेवा के चांस नहीं देते और उनसे भी ऐसा बात करके माहौल बना देते हैं तो इतनी निगेटिव एनर्जी आती है कि वो हमें उठने नहीं देते तो यहाँ हम क्या करें और ब्राह्मण परिवार को क्या करना चाहिए क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई या कि हाँ उसके बारे में ऐसा सोच एक्चुअली दोनों तरफ से हमें चेंज करना पड़ेगा हमारे बहनें भी तो बहुत प्यार देती हैं जो आता है कोई बात नहीं लेकिन और जो आने वाले हैं उनका भी ये परम कर्तव्य है कि जो व्यक्ति फिर से आ गया उसको फिर से मदद करें लिफ्ट दें उसकी गलानी करना उसके लिए वैसी दृष्टि रखना एब्सोल्युटली रॉन्ग और ये अपनी कमजोरी है दूसरा व्यक्ति फिर से पावन बन के आगे बढ़ रहा है लेकिन हमने उसके लिए बुरी दृष्टि रखी ये बुरी दृष्टि होगी ना हां ये तो ऐसे ही है देखा, बाबा को छोड़ दिया था बहुत डिस्टर्बिस कर दी इनके कारण ये हो गया था वो हो गया था तो एक बड़ी कमजोरी हमारे अंदर रह गई कि हमारी आत्मिक दृष्टि रही न ड्रामा का ज्ञान हमें रहा ना हमारी शुभ भावनाएं रही ना हम दूसरे को मदद करने वाले बने तो वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा हम पीछे हट जाएंगे इस गुए रस को जानते हुए हमें पास को बुलाकर जो व्यक्ति आगे बढ़ने चाहता है उसको आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए बाबा ने पीछे मुरली में अभी अभी अव्यक्त व्यक्त मुरली में एक मास पहले बहुत अच्छी बात कही एक व्यक्ति गिर रहा है क्या आप उसे लात और गिरा दोगे? धक्का दे दोगे या उसे गिरते हुए को संभाल लोगे संभालने वाले ही महान हैं, गिराने वाले कभी महान नहीं होते एक ये चीज ध्यान रखनी है दूसरा वो व्यक्ति जो आए हैं उन्हें अब थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी खत्म करनी चाहिए कि लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे ठीक है जो हो गया हो गया अब अच्छे समान में अच्छी स्थिति में अगर वो मग्न अवस्था में आ जाए तो उनके वाइब्रेशंस उनके चेहरे की खुशी फिर से आ गई ना भगवान के पास चेहरे की खुशी शांति उनके वाइब्रेशन दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डालेंगे और दूसरे भी ये जरूर बोलेंगे कोई बात नहीं जो हो गया उसे भूल जाओ अब आगे बढ़ो लेकिन हमारी स्थिति खराब रही मैंने देखा एक व्यक्ति जिसने शादी की थी अहंकार था उसमें बहुत किससे सीधे मुंह बात नहीं करता था अब भी कभी मिलता है तो वो अहंकार उसमें दिखाई देता है हाँ ये चीज मैंने बनाई थी पच्चीस साल पहले पच्चीस साल पहले चले गए और याद रखते हैं तो अगर ऐसा अहंकार रहता है तो ऐसी व्यक्ति के प्रति लोगों की अच्छी दृष्टि नहीं रहती अपने को बदलना है फिर फिर से प्यार देना और लेना है और अपनी इन बुराइयों को त्याग करना है तो दूसरे लोगों का व्यवहार भी सदव्यवहार रहेगा जी जी आपने जब ये सुनाया तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही थी व्रता जी कि एक वैश्य थी और एक जहां वो रहती थी उसके ठीक सामने एक संत की कुटिया भी थी तो वैश्य ये सोचती थी कि संत का जीवन कितना सुंदर है कितना पवित्र है कितना ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं मैं भी ध्यान में लगी रहूं और संत ये सोचा करता था कैसा अधम जीवन है कैसे गंदे काम करती है छी ये तो नर्क में जाएगी ये है संत का चिंतन ऐसा और इसका चिंतन कितना शुद्ध जब वो ऊपर के तो यमराज जी ने कहा कि वैश्या स्वर्ग में जाएगी और ये संत नर्क में जाएगा कहा कि मैंने तो साधना की इतनी कहा साधना वो तो आप खुद जानते हैं कि आपका चिंतन कैसा था राइट तो हम अपने चिंतन को जरूर शुद्ध रखें सात्विक रखें और उनको आगे बढ़ाने वाला रखें क्योंकि हमें तो स्वर्ग में जाना है ना नर्क में तो नहीं जाना है कहते जी एक आपकी इजाजत हो तो एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा क्या आपके जीवन में कोई मेनकाई नहीं आए शुरू में बहुत आए और ये सब जो बातें कही मैंने अनुभवों से कही किसी के और हम भी ज्यादा बढ़े लेकिन हमें जल्दी रियलाई योगा दिस इज नॉट आवर लाइफ और फिर हम जल्दी डिटेच हो गए क्योंकि बाबा की पालना में थे और बाबा के अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट्स थे और योग अभ्यास बहुत अच्छा था तो जल्दी ऐसी चीजों का डीप रियलाइजेशन हुआ और हम मुक्त हो गए कई बार ये होता है बेहता जी हम तो मुक्त रहते हैं लेकिन चूंकि हमारा ओरा इतना सुंदर होता है हमारा व्यक्तित्व इतना अच्छा होता है हमारा बोलना इतना अच्छा होता है कि लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं हमसे जुड़े रहना चाहते हैं हमारे समीप रहना चाहते हैं हमसे बात करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमें भी फील होता है कि ये चीज हमें आगे भी बढ़ाना है लेकिन फील भी होता है कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी है ऐसे होता है हमारे साथ भी होता है अपने व्यक्ति बात व्यक्तिगत बात की कई लोग हमें ऐसे व्हाट्सअप मैसेज करते हैं हम जानते नहीं वो कौन है उनका चेहरा भी उसमें नहीं आता फोटो भी नहीं डालते लेकिन बात ऐसे करते हैं हमें तुम भूल ना जाना हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकेंगे मैं हंसता हूँ कि जिसके बिना नहीं जीना है उसको तो लिख नहीं रहे <laughs> मैंने कहा भाई मेरे बिना तो तुम पहले भी जीते थे और अब भी जियोगे मैं कांटेक्ट ही नहीं करता कम्युनिकेट ही नहीं करता तो ऐसी चीजें होती अवश्य हैं सबके साथ होती हैं और हम पहले भी चर्चा कर चुके कि हमारी प्योरिटी में बहुत आकर्षण होता है लेकिन हमारा लक्ष्य कुछ और है इसलिए हम उस नहीं जाते आपने ये बात अपने यंग एज की कही या अभी की कही कि लोग मैसेज करते हैं नहीं मैसेज तो अभी कर रहे हैं <laughs> <laughs> यंग एज जब हमारी थी तब तो मैसेज वैसे थे ही नहीं तो, नहीं तो नहीं मतलब जो एक बात है ब्रता जी कोई एक वृद्ध ज्ञानी मुझसे साझा कर रहे थे कि मुझे अब तक इस विषय को लेकर परेशानी होती है तो क्या हम ये मान के चलें कि जो बाबा कहते हैं कि माया अंत तक तुम्हारा पीछा करेगी तो हम पीछा करवाने के लिए अब सतर्क चाहे कोई व्यक्ति अस्सी साल का हो जी इम्प्योरिटी तो आत्मा में है ना शरीर में तो उसका स्वरूप दिखाई देता है केवल जी तो अगर हमारी साधनाएं अच्छी नहीं है तो वो बनी रहती है इच्छाएं भी बनी रहती हैं। इसलिए मैं एक चीज कहता रहता हूं सभी को और तो कोई कहेगा नहीं उसको केवल मैं ही कहता हूं काम की जो सूक्ष्म कामनाएं हैं, उनको भी जीतना है हमें उनको छोड़ते चलना है काम की सूक्ष्म कामनाएं ही बुरे स्वप्नों का कारण बनती हैं, अट्रैक्शन का कारण बनती हैं, इसलिए सभी अपने को चेक करेंगे कि वो सूक्ष्म कामनाएं पास तो हर एक का कैसा बीता है वो हर एक खुद जाने हम लोगों का तो पास ही नहीं था बचपन से ज्ञान में आ गए और बहुत सुंदर जीवन मिला है लेकिन कईयों का पास बहुत गंदा है तो वो कामनाएं बनी है रहती हैं वो सीन सामने रहते हैं उन सब को सीन्स को डिलीट करना स्वमान से पाँच स्वरूपों के अभ्यास से और कामनाओं को छोड़ना ज्ञान के बल से ये प्योरिटी के पथ पर आगे बढ़ने के लिए परम आवश्यक है जी जी मतलब हम पूरी तरह से सतर्क रहें अपने लक्ष्य को याद रखें और बस उसी पर फोकस्ड रहें और यहाँ ज़्यादा हम कम्युनिकेट करना करें जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग वाले लोग हैं तो हम भी सावधान रहेंगे और उनका भी कल्याण होगा उनकी भी उन्नति होगी प्रता जी एक बात इसी से जुड़ी हुई और मेरे जेहन में आ रही है कई बार एक चाहे वो साधक है कुमार हैं कुमारियां हैं मन में यह आता है कि बार बार जो चीज इतनी खींच रही है अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो क्यों ना एक बार उस चीज को देख लिया जाए समझ लिया जाए ताकि उधर हमारा फिर ध्यान ही ना जाए एकदम जो जीवन क्या कहें कि उथल पुथल वाली जो स्थिति हो रही है वो तो एक बार यदि देख लिया जाए टेस्ट कर लिया जाए तो साइकोलॉजिस्ट तो यही कहेंगे पर एक बार टेस्ट करने के बाद बार बार टेस्ट करना ही होगा क्योंकि वासनाएं भी एक ऐसी चीज है जो आत्मा को जल्दी नहीं छोड़ती देवान बढ़ जाता उसमें रस आने लगता है इसलिए जिनको पवित्रता का मार्ग अपनाना है उनको ये संकल्प भी सदा के लिए छोड़ देना चाहिए जिसको टेस्ट करके सारा संसार दुखों में जा रहा है जिसके कारण ये संसार नरक बन गया है, जिसके कारण आज अनेक समस्याएं हो रही हैं। देखो हर देश में रेप के केस कितने हो रहे हैं, वो भी तो यही है। जेल में पड़े हैं, परिवार बदनाम हो रहे हैं, दुखों का अंत नहीं है, इसलिए ये संकल्प भी यहीं छोड़कर पवित्रता के पथ को स्वी चुन लेना चाहिए जी जी और जो एक अंदर उथल पुथल या आकर्षण है उसको वो योग बल से ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। मैंने मैं बार बार ये बात रिपीट करूंगा क्योंकि बाबा ने भी रिपीट की है अपने पांच स्वरूपों की साधना पर विशेष ध्यान दें जी आ, कुछ लोग ये भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा भी तो गृहस्थ में गए उन्होंने भी सब कुछ देखा अनुभव किया कई ऐसे संत भी हैं जो थे उन्होंने भी तो विवाह किया था तो और विवाहित होकर के भी फिर एक पवित्र जीवन जिया था तो जैसे बाबा ने एक जीवन जिया संत भी एक जीवन जीते हैं क्या वैसा नहीं जिया जा सकता वैसा जीकर देखेंगे तो ये संगम का खेल तब तक पूरा हो जाएगा इसलिए जब जाग गए हैं तब से सवेरा हो गया है जीवन में लाइट आ गई है अब अंधकार में जाने की जरूरत नहीं है ब्रह्मा बाबा ने जब ग्रस्त जीवन जिया तब उन्हें ज्ञान थोड़ा ही था संतों ने भी जब ग्रस्त जीवन जिया तब उनके पास ज्ञान थोड़ा ही था संत वो बाद में बने संत बने ही तब जब पवित्र हो गए अगर आप ये सोचेंगे हम दस साल ग्रस्त का सुख भोग आए फिर हम योगी बन जाएंगे तो शायद आपका भाग्य कभी नहीं जग पाएगा इसलिए यह सोचना भी गलत है हमें तो ब्रह्माचारी बनना है ब्रह्मा जब से बाबा बने तब से उनका जीवन कैसा था उससे पहले तो ज्ञान योग से वो दूर थे ना अब हम ज्ञान योग से दूर नहीं हमें ज्ञान है इसलिए उससे हम दूर क्यों जाएं जी 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 प्रता जी धारणाओं की आज बात हो रही है तो एक बात आई है कि भोजन का इसमें क्या रोल रहता है हमारे ब्रह्मचर्य की धारणा में कई लोग कई प्रकार की बात कहते हैं कि आप कच्चा भोजन कीजिए कुछ आधा पका भोजन कीजिए कई हल्का भोजन कीजिए यज्ञ का यदि हम अपना सिस्टम देखें तो हम लोग तो संपूर्ण रूप से जो भी भोजन है ब्रह्म भोजन के रूप से आनंद लेते हैं तो वास्तविकता क्या हमारा भोजन तो स्वादिष्ट भी होता है कच्चा भी नहीं होता सलाद लोग जरूर खाते हैं अपने अपने अनुसार खाते हैं देखिए मेडिकल साइंस मैं समझता हूँ इस बात पे ज्यादा विचार नहीं करती एलोपैथी मेडिकल साइंस हर हरेक का देह देह का सिस्टम अलग अलग है सलाद आप खा रहे हैं कईयों को फायदा कर देगा कईयों को नुकसान एक चीज कईयों के लिए बड़ी यूजफुल है जो बिल्कुल अच्छी है वही चीज दूसरों के लिए बड़ी नुकसानदायक है खीरा खीरा आप जानते होंगे कुकुम्बर बहुतों के लिए तो अमृत तुल्य है लेकिन बहुतों के लिए गैसिक है भिंडी कईयों को फायदा करती है कईयों को नुकसान इसलिए हमें अपने बॉडी को जानते हुए एक सात्विक हल्का भोजन लेना चाहिए ऐसा भोजन ना हो जो पेट को भारी करे ऐसा भोजन ना हो जो गैस पेट में गैसी जो एसिडिटी पैदा करे पर तो इतना ध्यान रखेंगे रात को बहुत देर से नहीं खाएंगे आठ बजे तक अधिक से अधिक बहुत लोग तो जब सूरज उदय हुआ है जब सनरेज पड़ रही है तब भोजन खा लेते हैं और अगर आप दिन में दो बार भोजन करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा देखिए आत्मा की इंप्योरिटी पूरे शरीर में भी फैल गई है कलयुग के अंत में आत्मा भी इंप्योर तो शरीर भी पूरी तरह इम्प्योर है कर्मेंद्रियों में इम्प्योरिटी का फुल फोर्स है। हमारा भोजन पूरे शरीर में जाता है भोजन के वाइब्रेशंस का असर शरीर के अंग अंग पर पड़ता है जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए या जो थोड़ी भी जानते हो जानते हैं एक मनुष्य अगर बहुत प्रसन्न है बहुत आनंदित रहता है तो उसके ग्लैंड से जो केमिकल्स का सिक्रेशन होगा बहुत सुंदर पॉजिटिव हेल्दी करने वाला और एक व्यक्ति जो टेंशन में है चिंता में है डर में है उससे जहरीला सिक्रेशन होगा बीमार करने वाला ब्रेन को डैमेज करने वाला तो हम सभी भोजन के महत्व तो को समझ लें भोजन के वाइब्रेशंस शरीर के अंग अंग में फैल। इस शरीर में पांच चीजें निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। भोजन हम खा रहे हैं उससे रक्त आदि बन रहा है वो प्रवाहित हो रहा है एनर्जी एनर्जी मन से निकलती है वो प्रवाहित हो रही है इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है पानी भी प्रवाहित हो रहा है सारे शरीर में पानी भी तो बहुत है और हवा Guessage. ये पांच चीजें इस शरीर में निरंतर प्रवाहित हो रही हैं ये फैक्ट्री है ना शरीर बहुत सुंदर ये पांचों चीजें इसको चला हैं देखो खून बन रहा है दूध बन रहा है शरीर में कितना है संसार का कोई साइंटिस्ट खून बनाने की फैक्ट्री नहीं बना सकता कोई बड़े बड़े इंजीनियर दूध बनाने की फैक्ट्री नहीं बना सकते मनुष्य के शरीर में खून बनता है दूध बनता है तो अन्न हम जैसा खाते हैं केवल अन पौष्टिक हो अन्न शाकाहारी हो ये तो ठीक है लेकिन अन्न में वाइब्रेशंस कैसे हो उसका पूरा इफेक्ट देह पर आएगा माइंड पर आएगा ब्रेन पर आएगा हार्ट पर आएगा किडनी पर आएगा लीवर पर आएगा पेनक्रियाज पर आएगा इसलिए भोजन को बहुत अच्छे वाइब्रेशंस में बनाना जो योग युक्त बना सकते हैं योग युक्त बनाए बाबा का आह्वान करके बनाए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ बाबा मेरे साथ है इसको एंजॉय करते भोजन बनाए सुंदर गीत बजा लें क्लास चला लें उस गुड ग्रेट वाइब्रेशंस में भोजन बनाए तो वो भोजन प्योरिटी में बहुत मदद करेगा सहज हो जाएगा पवित्र भोजन खाने से आत्मा बहुत पवित्र बनती है शरीर पवित्र बनता है क्योंकि शरीर अगर इम्प्योर है तो उसका इफेक्ट भी आत्मा पर पड़ेगा इसलिए भोजन से शरीर और मन दोनों पर असर पड़ता है इसलिए सात्विक भोजन परम आवश्यक जी जी और इसीलिए मधुबन का भोजन बिल्कुल शुद्ध प्रसाद की तरह है जो भी बनता है वो हमें बहुत ही प्यार से ग्रहण करके अपनी पवित्रता को आगे बढ़ाते चलना है, पता जी बाहर लेकिन संसार में है तो कई बार ब्रह्मचर्य की धारणा तो हो रही है प्रश्न है लेकिन परिवार की खुशी के लिए कभी कभी प्याज लहसुन खाना पड़ता है तो क्या इसका ब्रह्मचर्य की धारणा पर कोई प्रभाव पड़ेगा देखिए प्याज लहसुन को बाबा ने क्यों मना किया है इनको हिंदी में आयुर्वेद में कहते हैं काम उत्तेजक हैं ये सेक्सुअल फीलिंग्स को स्टिमुलेट कर देते हैं उत्तेजना पैदा करते हैं इसलिए बाबा ने इसको छुड़ाया वैसे तो आयुर्वेद में इनको बड़ी मेडिसिन माना जाता है ठीक है वैसे तो आपकी स्थिति अगर बहुत अच्छी होगी आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे तो लोग आपकी धारणाओं का सम्मान करेंगे और आपको कभी भी लहसुन प्याज करने के लिए खाने के लिए विवश नहीं करेंगे ये तो ये भी कोई कह सकता है कि भाई हम तो सबकी कंपनी में रहते हैं फ्रेंड्स होते हैं उनको खुश करने के लिए कभी सिगरेट भी पीनी पड़ती है कभी थोड़ी ड्रिंक भी ले लेनी पड़ती है क्योंकि नहीं तो नाराज हो जाएंगे अब उनको खुश करना है या अपनी स्थिति को खुश करना है सोच लेना है फिर भी मैं आपको रिलैक्स करना चाहता हूं मैं आपको टेंस नहीं करूंगा ये आपकी अपनी मान्यताएं धारणाएं हैं है। अगर आपने मास में दो मास में एक बार लहसुन प्याज खा लिया उसके बाद थोड़ा अच्छा योग कर लेना एक घंटा एक्स्ट्रा <laughs> <laughs> अगर आपको ऐसा लगता ही है कि उसके बिना परिवार वाले खुश नहीं होते लहसुन प्याज की खुशबू उन्हें ज्यादा प्रसन्न करती है तो ठीक है आप कर सकते हैं परंतु अगर आप में ताकत है आप अपने नियमों में दृढ़ हैं तो दृढ़ता में बहुत बड़ी शक्ति है हिंदी में कहावत है नियम बहुत बलवान होते हैं जो आत्मा को बल देते हैं निश्चित रूप से हमारे अच्छे नियमों को लोग अप्रिशिएट करते हैं और अगर आप खाते रहेंगे तो लोग कहेंगे डीले डाले हैं ठीक है <laughs> चलेगा <laughs> मतलब मुख में आ, अच्छा अच्छा कहेंगे लेकिन पीछे ये कहेंगे कि देखो कहते ये है कि हम ये करते हैं लेकिन मतलब दोनों बातों में फायदा ले लेते हैं <laughs> इसलिए दृढ़ता ही सबसे सुंदर एक साधन है कई बार ऐसे लोग या कुछ ऐसे प्रश्न थे व्रता जी यहाँ तो नहीं कि जब हम योग से सब चीजों को शुद्ध कर सकते हैं तो प्याज लहसुन वाले भोजन को या तो ये भी कहेंगे की एल्कोहल को भी शुद्ध कर लो पी लो की मैं परम एक्चुअली <laughs> <Actually, laughs> ये जो तांत्रिक चीजें हैं ये हमारे वाइब्रेशंस को स्वीकार करती नहीं उनमें हमारे वाइब्रेशन जाएंगे नहीं गंदगी है ना उनमें तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वो जैसे रिपल्सन हो जाएगा <laughs> इसलिए इन चीजों को लेकिन मैंने कहा जैसे आ, आप परिवार वाले और कहीं शादियों में चले गए पार्टियों में चले गए कभी कभी और वहां भोजन ही लहसुन प्याज का बना है और आपको कोई मार्जिन नहीं है कि आप अलग कर सकें तो थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए और फिर अच्छा अभ्यास भी कर लेना चाहिए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये भी कर लेना चाहिए तो आप तो नहीं जी जी शास्त्रों में से आपद धर्म कहा हाँ। गया है कि कभी ऐसी स्थिति हो जाती है आपको लेना पड़ता है लेकिन ऐसी स्थिति हो तो इसे फिर आप अपने जीवन में या अपनी दिनचर्या में शामिल कतई ना करें क्योंकि नियम नियम है अः जी संपूर्ण पवित्रता की धारणा तो शुरू हो गई है लेकिन सेंटर से दूर रहते हुए सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से हो रही पालना से हम कैसे मजबूत बने खास करके जब जबकि आसपास की जो हमारी आत्माएं हैं वो सभी ज्ञान में नहीं हैं कैसे हौसला हमारा बना रहे बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अब ऑनलाइन बहुत कुछ चल रहा है और ऑनलाइन ही बहुतों ने इस धरा पर आए हुए भगवान को पहचान लिया है अपने देव स्वरूप की स्मृति आ गई है और पवित्रता का मार्ग चुन लिया मुझे तो बहुत खुशी होती है जब हमारी बहनें और भाई कहते हैं कि हमने कोर्स तो नहीं किया पर क्लासेस सुन के हम सवेरे उठकर अमृत वेला बहुत अच्छा योग कर रहे हैं हमने पवित्रता धारण कर ली हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया नॉन वेज छोड़ दिया तो एक्चुअली इट्स ए ग्रेट थिंग हम इसको अप्रिशिएट करेंगे और ऑनलाइन ही आप अच्छी अच्छी क्लासेस सुन के अपनी पालना स्वयं करें अपने शिक्षक स्वयं बन जाएं। हमारा भी लक्ष्य रहता है कि हम हर टॉपिक पर आपको रोशनी दें ढिलाई आती है तो क्या करें अमृत वेला गड़बड़ होती है तो क्या करें स्वमान की भिन्न भिन्न प्रैक्टिस योग के भिन्न भिन्न अभ्यास कैसे करें बाबा से अपने प्यार को कैसे बढ़ाएं तो ऑनलाइन भी आप सब की पालना हो रही है और इससे आपकी लाइन ऊपर वाली क्लियर हो जाती है बाबा से भी तो लाइन है ना सीधी ऑनलाइन से यदि अलमाती से हमारी लाइन क्लियर हो जाए तो ऑनलाइन भी हमारे लिए वरदान बन आया है जी 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 तो ये सुंदर है कि उनको एक सुंदर ज्ञान मिल गया है अब इस पद पर आगे बढ़ते चले कई बार बहता है कि मान लीजिए हमें पवित्रता की धारणा में सहयोग नहीं मिल पा रहा है एक साल हो गया डेढ़ साल हो गए दो साल हो गए तो भी मन में ये रहता है कि नहीं कभी ना कभी तो होगा बाबा के पास ही तो आएंगे तो ही तो वो धारणा हो पाएगी हमारी तो क्या उन्हें आते रहना चाहिए या फिर उन्हें रुक जाना चाहिए कि नहीं ये चीज नहीं हो पा रही है तो मन में कई बार एक द्वंद भी रहता है और कई बार कोई कह भी देता है कि यदि आप नहीं नहीं चल 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 पा रहे रहे हो हो तो फिर क्यों चल रहे हो? नहीं, ये तो नहीं कहना चाहिए <laughs> कोई चल रहा धीमी गति से ही चल रहा उनको मदद करनी चाहिए और बहुत सारी आत्माओं के साथ ये होता है विशेषकर गृहस्त में रहने वालों को बहनों को बहुत होता है भाई दो साल के बाद पवित्रता धारण किए बहने बताती हैं ठीक है हम लगे रहे हमने पति को भू भू करना चालू रखा हमने उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना चालू रखा भगवान कैसे आया है उससे कैसे सुख लिया जाए साक्षात्कार हो रहे हैं हमें उसकी आज्ञा है अब जन्म जन्म तो यही धंधे किए हैं पवित्र बन जाओ तो बहुत माताएं बहुत बहुत सफल हुई हैं इसमें और जिनके साथ अब ये केस हैं वो भी सफल होंगे अपना योग अभ्यास बढ़ाएं भोजन मनाते मैं परम पवित्र आत्मा हूं बहुत करें लंदन की एक बहन का अनुभव सुनाऊ में नई नई मैरिज थी बहन ज्ञान में आ गई एकदम तेजी से चलने लगी अब पति को तो सहयोगी बनाना था सवेरे पति उठ के पानी पीता ही था अब ये पहले उठ के पानी में पवित्र वाइब्रेशंस भर के रख देती थी पति ने पीना शुरू किया और कहा थोड़े दिन लगे एक मास भी नहीं लगा उसने पवित्रता की धारणा अपना ली हम दोनों बहुत सुखद पथ पर चलने लगे हैं तो एक भोजन को पवित्र करेंगे मैं एक सबकॉन्शियस माइंड का छोटा सा प्रयोग सिखाता आया हूँ सवेरे उठकर जब वो व्यक्ति सोया हो स्त्री हो या पुरुष आप ही अभ्यास करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इससे आपकी सोई हुई शक्तियां जगेंगी मैं विजयी रतन हूं ये शक्तियां विजय दिलाने की ओर चलेंगी मैं परम पवित्र आत्मा हूं पवित्र वाइब्रेशन फैलेंगे मेरा पति या पत्नी या आत्मा मेरी पूर्ण सहयोगी है ये भी देवकुल की महान आत्मा है बहुत अच्छी आत्मा है मेरी गुड फ्रेंड है मेरी सहयोगी है हम दोनों बाबा के पथ पर चलने वाले हैं चल रहे हैं ये संकल्प सवेरे उठ के किया करें तीन तीन बार तो दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट्स भर जाएंगे और काम बन जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा होता है कि जब गाड़ी के दोनों पहिए साथ साथ चलने लगे एक तो चलता है तो दिक्कत होती है आ, लेकिन ठीक इससे उलट एक और बात आई है ब्रेता जी कि ये कहते हैं कि पति मुझे बंधन मुक्त कर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो क्या उन्हें सहयोग देना चाहिए एक्चुअली तो to... अच्छी बात है यदि वो आपको पवित्र रहने की छुट्टी दे रहे हैं उनका अपना जीवन है उनकी अपनी वासनाएं हैं तो उन्हें अपने पथ पर चलने देना चाहिए और आपको इसमें खुशी होनी चाहिए पर मैं नारी स्वभाव जानता हूँ वो दुखी होती हैं यदि उनका पति कहीं और जाता है या शादी करता है लेकिन आपको इसमें अब हल्के होने की जरूरत है वो भी आने वाले हैं जरूर ज्ञान मार्ग पर उनका भी कल्याण होगा क्योंकि ये कैसे बहुत हुए हैं पत्नी ने साथ दिया कि अच्छा भाई मुझे पवित्र रहना है आप भले दूसरी शादी करो उसी घर में दूसरी आई और थोड़े दिन में वो ज्ञान में चलने लगी तीनों ही चलने लगे तो एक सुभावनाओं के साथ उनको भी समझते हुए आप इसमें थोड़े हल्के हो जाएं और उन्हें उनके मार्ग पर चलने दें यदि हम किसी और की शादी करवाने में मददगार बनते हैं तो क्या ये पाप होगा पवित्रता को खंडित करना होगा प्रभु जी तो ऐसा ही कहते हैं ये तो उनसे ज्यादा पूछना पड़ेगा पर सुख तो जी, जी। कई ब्राह्मण ऐसे हैं, जो प्रेम में धोखा खाने के बाद बाबा से जुड़े हैं तो क्या ऐसे भाई बहनों को भी हम ब्रह्मचारी कहेंगे <laughs> प्यार में धोखा तो आजकल सबको मिल रहा है सब का खेल हो रहा है डिवोर्स एक प्यार कईयों से कर रहा है उसको पता नहीं कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके और कई हैं साथी तो धोखा खाते हैं निराश होते हैं उदास होते हैं बाल ब्रह्मचारी तो नहीं कहेंगे लेकिन अब से यदि वो पवित्र बनना चाहें लेकिन उस बात को भूलें एक्चुअली होता क्या है सबकॉन्शियस माइंड पर गहरी चोट लगती है जो व्यक्ति आज तक आपको बहुत प्यार कर रहा था वो कल दूसरे को प्यार करने लगे आपको बिल्कुल फाइनली रिजेक्ट कर दे तो सब माइंड पे एक भारी अटैक होता है ये कन्याएं विशेष रूप से इस अटैक से बच नहीं पाती हैं, इसलिए बहुत संभालना है अपने को किसी से प्यार कर लेना ये ऐसा अंधा नहीं बनना है अब तो अगर एक भगवान से प्यार करेंगे तो जन्म जन्म संबंधों में आपको प्यार मिलेगा बहुत प्यारा पति मिलेगा इसलिए एक से प्यार कर लो जरा जी 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 ब्रता जी एक और प्रश्न है कि आ... जब हम इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो क्या कोई भटकती हुई आत्मा जिसको स्थूल शरीर नहीं मिला है या किसी के तंत्र मंत्र के प्रयोग से हमारे स्वप्न में या अर्ध चेतन अवस्था में ही कोई हमारी इस पवित्रता में विघ्न डाल सकता है और कई बार ऐसा सुनने में भी आता है कि कोई ऐसी स्पिरिट किसी के साथ ऐसे शारीरिक रूप से बिल्कुल गंदे गंदे समाचार आते हमारे पास भी क्योंकि ये जो बॉडी लेस सोल्स हैं इनमें से कई महाविकारी रहे हैं अति पापी अब वो उसी रूप में भटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आ जाते हैं और ये गंदा काम करते हैं और इसमें हमारी बहनें बेचारी अति दुखी हो जाती हैं। और क्योंकि कलयुग का गंदा माहौल बहुत है आपके घर के चारों ओर जैसे आग लगी हुई है इम्प्योरिटी की गंदगी के वाइब्रेशंस हैं इसलिए स्वप्नों में भी ऐसी आत्माओं का इफेक्ट हो जाता है आप सभी अपने रूम में अपने घर में रोज पानी चार्ज करके छिड़कना नियम बना लें अपने घर के मेन गेट के बाहर बाबा की बड़ी लाइट जला दें अगर संभव हो अपने घर के ऊपर झंडा भी लगा दें आपके देशों में कितना पॉसिबल है ये आप देखना पर झंडा भी बहुत सुरक्षा करता है और जैसे हम मच्छरों से बचने के लिए मस्किटो कॉर्टेन लगा लेते ना मच्छरदानी ऐसे ही सोने से पहले 21 बार अभ्यास करना मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और जैसे मेरे बेड और चारों ओर एक पावरफुल ओरा बन गया अपने घर के चारों ओर भी पावरफुल ओरा बना सकते हैं आप दिन में भी रात को सवेरे कभी भी 21 बार संकल्प करके तो इन आत्माओं के दूषित कर्म से भी सब बचे रह सकेंगे थोड़ा इस पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये केस हैं हैं। तो पर आते रहते हैं। जी जी, जी मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगा क्योंकि जहां से हमने शुरुआत की थी जीवन इतना सुंदर है धारणा इतनी सुंदर है लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हमारे पास आती रहती हैं चाहे वो सूक्ष्म है या स्थूल है कभी बाहर से कभी अंदर से आपने अपने जीवन में क्या नियम बनाए और हम कौन से ऐसे तीन या पांच ठोस नियम बना लें जिससे कि विश्वामित्र वाली स्थिति हमारी ना हो चाहे कैसी भी मेन का हो कैसी भी परिस्थिति बिल्कुल मैंने तो 1970 में अपने जीवन को दस नियमों में बांधा था और उनको बहुत मदद मिली बांधना जरूरी है ताकि हम बाहर निकल सके क्योंकि जन्म जन्म के इम्प्योर संस्कार हैं चाहे मैं हूं चाहे आप हो कोई भी पवित्र तो यहां आए नहीं इस जन्म के हम पवित्र हो सकते हैं लेकिन जन्म जन्म की इम्प्योरिटी तो हमारा पीछा कर रही है ना इसलिए अपने जीवन को कुछ नियमों में बांधो पहला नियम हो सकता है जो मैंने बनाया था एक बार जिस पथ पर कदम रख दिया पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे भगवान को वचन दे दिया वचन वापिस नहीं लेंगे एक नियम दूसरा नियम आपका हो सकता है पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली तो अब इसको संपूर्ण बनाकर ही रहेंगे यही हमारी मंजिल है अब वो हमारी मंजिल नहीं है कलयुग में हम कुछ भी देखते हैं कलयुग में कुछ भी हो रहा भी है कलयुग के आकर्षण भी हैं लेकिन अपने को बचाते चलेंगे दिस इज नॉट माई पाथ दिस इज माई पाथ रोज रिमाइंड कराएंगे ऐसे पांच नियम बना लो रोज अमृत वेले उठकर पवित्रता का बल ईश्वरीय एनर्जी अपने अंदर भरेंगे और मुरली से भी वही भरेंगे भोजन बन, बनाते और खाते हुए योग युक्त रहने का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे बाबा का आह्वान करेंगे पांच बार रोज बिन बिन अभ्यास क्योंकि भिन्न भिन्न अभ्यासों के बिना हम प्योरिटी में स्ट्रोंग नहीं बनते और भी आप अपने को नियम चुन सकते हैं ये मैंने अपने बताए लेकिन आप अपने ढंग से अपनी सिचुएशंस को देखते हुए अपने पांच नियम अवश्य बना लें जी, जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया भ्रत जी क्योंकि ये सचमुच बहुत ही हमारे लिए जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये सूक्ष्म बातें और इन्हें अपने जीवन में लाना धारणाओं में लाना हमें भी मदद करेगा कि हम बचते हुए इन सब चीज़ों से क्योंकि माया का आकर्षण तो बहुत ज्यादा है वो तो तैयार बैठी है कि कब ये मेरे आगोश में आए अब हमें ही बहुत ही संभल संभल करके चलना है और मंजिल तक पहुँचना है तो सभी की ओर से धन्यवाद देते हुए भ्रता जी मैं होगा कि अंत में जो आपने कहा कि सुंदर बाबा का आह्वान करते हुए हम अपनी पवित्रता को संपूर्ण बनाए वही एक सुंदर अभ्यास हम सबको कराएं चलें हम सभी बाप दादा का आह्वान करें और उनसे संपूर्ण पवित्र भाव का वरदान ले ये काम रोज करना है ले चलें बुद्धि को परम दांव विजुअलाइज करें ऑल ज्ञान सूर्य को निमंत्रण दे प्राणेश्वर खुदा दोस्त पवित्रता के सागर संसार को स्वर्ग बनाने वाले अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ देखे बाप दादा दोनों सामने आ गए बहुत डिवाइन प्रभा मंडल के बीच में है उनकी ये पावरफुल एनर्जी पूरे घर में फैल गई है सेंटर में फैल गई है बाबा दृष्टि दे रहे हैं और बाबा के नैनों से और मस्तक से प्योर इन गोल्डन कलर मुझ पर पड़ रही है इस प्योर एनर्जी से मेरे चारों ओर एक प्योर आभा मंडल बन गया है बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया हाथ से प्योर वाइब्रेशंस समझ में समाने लगे अंग अंग को शीतल करने लगे वरदान दिया बच्चे संपूर्ण पवित्र भाव दृष्टि देकर वापिस गए अपने धाम मैं परम पवित्र आत्मा एक बहुत डिवाइन आभा मंडल के बीच में ओम शांति थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया ब्रहता जी हम एक हाथ की ताली से भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतने सुंदर हम सबके सामने बातें और पॉइंट्स रखी हैं जिन पर जरूर ब्रहता जी सबकी ओर से मैं अश्योर करता हूं कि इस गहराई से हम सब कार्य करेंगे और इस बात की खुशी रहती है कि फिर फिर इस कड़ी में आगे और गहरे प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे और प्रकाश लेंगे आपने जो अनुभव के रत्न इतने वर्षों में जमा किए हैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो बांट रहे हैं उससे हम बहुत आनंदित हैं और दिल से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं okay. बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी आपका तो सचमुच जो ज्ञान रत्न हमें प्राप्त हुए उन सब की सुंदर गहराई में उतरना मंजिल बहुत, बहुत खूबसूरत है रास्ते भरे भले ही उतार चढ़ाव से भरे हुए क्यों ना हो भले हमने शुरुआत विश्वमित्र जी से की थी लेकिन अंत मैं भीष्म पितामह जी से करना चाहूंगा भीष्म पितामह ऐसे एक व्यक्तित्व जिन्होंने प्रण कर लिया कि बस कुछ भी हो जाए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा ही करूंगा कितनी राजकुमारियां आई होंगी कितने प्रलोभन आए होंगे लेकिन फिर भी एक प्रतिज्ञा कि नहीं मैंने जो कर लिया ठान लिया मुझे वही करना है हम भी भीष्म की तरह बने उनके ये कथन थे कि चाहे तीनों लोगों का साम्राज्य मिल जाए चाहे स्वर्ग का सिंहासन मिल जाए चाहे इससे भी कोई प्रिय चीज मिल जाए लेकिन मैं अपने ब्रह्मचर्य व्रत को भंग नहीं करूंगा ऐसी दृढ़ता के साथ जैसे बाबा भी कहते हैं धरत पढ़ो लेकिन अपना धर्म ना छोड़ो हम दृढ़ता से इस पद पर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ते ही चलेंगे औरों को बढ़ाते चलेंगे और सुंदर स्वर्ग की रचना करेंगे यही दिल की सुंदर मंगल कामना है तो आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो मंगलमय हो पुनः अगले हफ्ते आप सबसे मुलाकात होगी तब तक अपना ख्याल रखिएगा अपनी पवित्रता को बढ़ाते चलिएगा शांति चरित्रता बढ़ाएगी प्रभु मित्रता लाएगी देवी सच्चरित्रता बढ़ाएगी प्रभु से मित्रता मित्र सुख शांति की जननी है ये बात सच्ची है आधार है महानता का बात पक्की है पवित्रता सुख शांति की जननी है ये बात सच्ची है आधार है महानता का बात पक्की है बात पक्की है लाएगी विचारों में शुद्धता समाएगी दृष्टि में शीतलता लाएगी विचारों में शुद्धता समाएगी दृष्टि में शीतलता संगम का ये जन्म पवित्रता की शक्ति से करो भले करम पवित्रता 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 से ही हुआ संगम का ये जन्म पवित्रता की शक्ति से करो भले करम करो भले करम लाएगी व्यवहार में नम्रता सिखाएगी कर्म में कुशलता लाएगी व्यवहार में नम्रता हो सिखाएगी कर्म में कुशलता